अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं YouTube चैनल फिजिक्स बाई एआर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 11 के चैप्टर नंबर 2 में बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जिनमें हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, नंबर 2 नल वेक्टर, नंबर 3 इक्वल वेक्टर्स और नंबर 4 यूनिट वेक्टर्स एंड नंबर 5 पोजिशन वेक्टर्स। तो आइए एक एक को हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? द रिजल्टेंट ऑफ मैनी वैक्टर्स इज द सिंगल वैक्टर विच हैज सेम इफेक्ट एज ऑल द वैक्टर्स टेकन टूगैदर। यानी रिजल्टेंट जो होता है कई वैक्टर्स का, एक सिंगल वैक्टर होता है जिसका इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि तमाम वैक्टर्स को इकट्ठे करने पर होता है। यहाँ जो रिजल्टेंट है इसको मज़ीद हम देखते हैं कि इसको किन किन लफ्ज़ों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ 3 सूरतें दिखाई गई हैं। नंबर 1, इन केस ऑफ एडिशन सम, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। यानी अगर हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जो सम आएगा, सम का मैंने यहाँ मजमूआ है, और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर हम वेक्टर्स को तफरीक कर रहे हैं जिनका आंसर डिफरेंस होगा, और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा यानी हासिल ज़रब होगा, वो तमाम की तमाम जो हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 पे व्हाट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या चीज़ होती है? ए वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड ए नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी का मैनी है, यानी कोई पता नहीं है किस तरफ को बन रही है, जिसको हम रैंडम भी कह सकते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन का कोई इल्म ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 2 वैक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और उसी का नेगेटिव वेक्टर ए है, तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल सम ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए विल गिव अ नल वेक्टर, वेक्टर ए प्लस इनटू माइनस वेक्टर ए इक्वल्स नल वेक्टर। यहाँ पर जो ओ है या 0 जो है, इसके ऊपर एरो लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये वैक्टर का रिजल्टेंट है जिसको हम नल वैक्टर का नाम देंगे। नंबर 3 में हमने पढ़ना है इक्वल वैक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम ज़ाहर है, इक्वल का मैनी बराबर, वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जो आपस में बराबर होंगे उनको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे, लेकिन देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन होती हैं। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजिशन। 2 वैक्टर जिनमें एक वैक्टर फॉर एग्जाम्पल ए है और दूसरा बी है, वो कहलाएंगे इक्वल अगर उनके अंदर 2 कंडीशन पूरी हों। पहली कंडीशन है दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी उनकी अद्धी कीमत बराबर होनी चाहिए, एंड डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर 2 वेक्टर्स इन कंडीशन के ऊपर पूरा उतरते हैं तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स का नाम देंगे। रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन, रिगार्डलेस का मैंने लिहाज के बगैर, यानी उनकी इनिशियल पोजीशन के लिहाज के बगैर अगर कोई से 2 वेक्टर ऊपर दी गई शरायत पे पूरे उतरते हैं, यानी उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। एग्जांपल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, जैसा कि शक्ल में आप देख रहे हैं। आप अज्यूम कर लें कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा वैक्टर आप एक और लें, वो वैक्टर बी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 4 सेंटीमीटर है। दोनों वैक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं लेकिन उनकी इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम नहीं है, तो इनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, और इनको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर ए इक्वल द वेक्टर बी। नेक्स्ट हमारी तीसरी डेफिनेशन आ रही है यूनिट वेक्टर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स के अंदर। द यूनिट वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन इज ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन। यानी यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी खास डायरेक्शन को इंडिकेट करता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा उसकी 1 रहती है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर।
इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको किस तरह लिखेंगे हम, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है उसको कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसके ऊपर एक स्पेशल सिंबल लगाई जाएगी जिसको हेड का नाम देंगे और इक्वल आएगा, ये हमारे पास वही वेक्टर ए है जिसकी हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं जिसका, और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इस तरह रीड करेंगे, ए हैड इक्वल्स वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए हैड जो है ये बराबर है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के। इसकी कितनी टाइप्स हैं या इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पर तीन एग्जांपल जो हैं वो बयान की गई हैं, जिसमें नंबर वन यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सेस आर कॉल्ड कार्टीजियन यूनिट वेक्टर्स। कुछ वेक्टर स्पेशल हैं जिनमें से जिनकी एग्जांपल के तौर पे आई जे और के हैं, जो स्पेसिफाइड होते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सेस, इनको हम कहते हैं कार्टीजियन यूनिट वेक्टर्स। फिगर में गौर करें तो आपके सामने ये एक्स वाई और जी एक्सेस दिखाए गए हैं। एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है उसको आमतौर पे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आमतौर पे जे हैड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको आमतौर पे के हैड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका स्पेशल नाम भी होता है जिसको हम कार्टीजियन यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। नंबर टू है द यूनिट वेक्टर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर है जो किसी भी दिए गए वेक्टर आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिगर में देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर आर है और उसके आगे एक और आपको वेक्टर नज़र आ रहा है जो कि डार्क ब्राउन कलर में है, जिसको आर हैड से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये यूनिट वेक्टर जो है जस्ट इस आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर तीन द यूनिट वेक्टर एन हैड। तीसरा वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर एन हैड है इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉर्मल ड्रॉन टू ए स्पेसिफाइड सरफेस, यानी ऐसा यूनिट वेक्टर जो किसी स्पेसिफाइड सरफेस की डायरेक्शन के ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उसको हम एन हैड का नाम देते हैं। फिगर में देखें, ये हमारे पास कोई स्पेसिफाइड सरफेस है जिसको वाइट कलर से इंडिकेट किया गया, इसके ऊपर जो ब्राउन कलर के अंदर आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल को इंडिकेट करता है। इस यूनिट वेक्टर को हम कहेंगे एन हैड या यूनिट वेक्टर एन का नाम दिया जाता है। ये किसी सरफेस की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर चार बड़ा अहम वेक्टर है जिसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है? द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी पोजीशन वेक्टर आर एक ऐसा वेक्टर होता है जो डिस्क्राइब्स करता बयान करता है किस चीज़ को, लोकेशन पोजीशन को, मकाम को, ऑफ ए पॉइंट किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओरिजिन के लिहाज से। यानी पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की लोकेशन को ओरिजिन के लिहाज से बयान करता है, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट्स टेल इज एट ओरिजिन एंड हेड एट पॉइंट पी ए व बी एज शोन इन द फिगर। ये हमारे सामने कोई प्लेन है जिसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसका ओरिजिन है और ये वेक्टर है जो इस पॉइंट पी की लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो वेक्टर ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसका ओरिजिन जो है ये इसका हेड जो है टेल जो है वो ओरिजिन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, और इसका हेड जो है वो उस पोजीशन के ऊपर है जिस पोजीशन का ये पोजीशन वेक्टर बनाया गया है। इट इज डिनोटेड बाई आर, इसको हम आर से जाहिर करते हैं और लिखेंगे इसको ए आई प्लस बी जे, अगर ये वेक्टर इन प्लेन में है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज रिटन एज, और इसकी मैग्नीट्यूड को लिखा जाएगा आर इक्वल्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल अंडर रूट या स्क्वेयर रूट। तो इसको हम डिनोट करते हैं आमतौर पे आर के ऊपर वेक्टर के साथ ए आई, जो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट का, इसको हम डिनोट करते हैं आमतौर पे आर के ऊपर वेक्टर के साथ
AI जो कि इसका x कोऑर्डिनेट का x कंपोनेंट कहलाएगा, प्लस b ये जो इसका y कंपोनेंट है अगर ये वेक्टर हमारा प्लेन के अंदर है। सिमिलरली इन स्पेस R3 डायमेंशन, अगर हमारा पोजीशन वेक्टर स्पेस या पोजीशन 3 डायमेंशन के अंदर है, इट इज डिनोटेड बाई आर गिवन एज AI+BJ+CK। तो उसको हम जाहिर करेंगे AI+BJ+CK से, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज रिटन एज, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी R=A²+B²+C²² होल स्केयर रूट के बराबर उसको लिया जाएगा। तो फिगर में देखें, ये हमारे पास जो लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो है ये जी एक्सिस है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है A B C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यहाँ ड्रा किया गया, ये 3 डायमेंशन के अंदर पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करता है, जिसको लिखते हैं AI+BJ+CK, और मैग्नीट्यूड बनेगी एक्स कंपोनेंट स्क्वायर यानी A² + B² यानी Y कंपोनेंट स्क्वायर जमा C² यानी Z कंपोनेंट स्क्वायर।